क्रिकेट बॉल इंजरी, झगड़े में अगर पंच लगेगा क्रिकेट की बॉल लगेगी। हेलो दोस्तों, बात करते हैं नोज ब्लीडिंग के बचाव के उपाय, हाउ टू प्रिवेंट द नोज ब्लीडिंग। दोस्तों आप सबको पता है प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। अगर हमारे को नोज ब्लीडिंग हो ही नहीं तो कैसा हो, ज़्यादा बढ़िया है ना दोस्तों। अगर ब्लीडिंग हो गई उसको मैनेज करना मोर डिफिकल्ट टास्क है, ब्लीडिंग आपको ब्लीडिंग हो ही नहीं। दोस्तों नोज ब्लीडिंग से जो बचाव के उपचार हैं उस पर हम बात करते हैं नंबर वन, क्योंकि अगर हम ब्लीडिंग का बात करते हैं नोज ब्लीडिंग का तो मोस्ट कॉमन जो है उसका होता है ट्रॉमा। सो दोस्तों ट्रॉमा से बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। जो नोज जो हमारा गॉड ने जो बनाया है ना दोस्तों, वो इस पूरी बॉडी में एक ही ऐसा ऑर्गन है जो इस शरीर से बाहर निकला हुआ होता है, इसलिए इसमें बेचारे पे ट्रॉमा सबसे ज़्यादा होता है। क्रिकेट बॉल इंजरी, झगड़े में अगर पंच लगेगा क्रिकेट की बॉल लगेगी, पलंग से आप गिरोगे तो दोस्तों बेचारे नोज का नंबर सबसे पहले आता है। इसलिए इसके बचाव के लिए आपको, अगर सपोज करो हमारे को ड्राइविंग करनी है, टू व्हीलर आप चला रहे हो दोस्तों, यू ऑलवेज यूज द हेलमेट। अगर हमें कहीं पे कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं जहाँ पे नोज पे ट्रॉमा की चांसेज है, सो यूज द हेलमेट। सो हेलमेट से हमारे नोज का जो है वो आपको जो है वो केयर जो है वो एंड ट्रॉमा से मैनेजमेंट का जो है वो बचा जा सकता है। दूसरा दोस्तों अननेसेसरी की जो है फाइटिंग और उससे भी क्या है नोज का हमें बचाव करना चाहिए। सेकंड इसके अलावा जो दोस्तों बचाव का जो उपाय है उसमें आपका जो ब्लड प्रेशर है दोस्तों उसकी गोली आपको बराबर लेनी है। बहुत बार हम क्या है जाने अनजाने में जो ब्लड प्रेशर की गोली, हमें अच्छा खासा बीपी कंट्रोल होने के बाद भी किसी के बहकावे में आके गोली बंद कर देते हैं, या बहुत बार क्या होता है दोस्तों लंबे समय तक हम क्या है जहाँ पे हमारी ब्लड प्रेशर की गोली 5 साल से एक गोली ले रहे हैं और हमने कभी ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराया तो वो गोली कामयाब है या नहीं, वो भी एक महत्वपूर्ण बचाव का उपाय है। समय समय पर ब्लड प्रेशर अपना चेक करना चाहिए एंड आपको उसमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए डॉक्टर को बताने के लिए, क्योंकि दोस्तों हमें याद नहीं रहना कि 2 महीने पहले या 15 दिन पहले हमारा ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है। सो तुरंत हमने अगर एक डायरी में लिखा हुआ है तो हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं, सर पिछले 2-2.5 महीने से मेरा ब्लड प्रेशर ये वाला चल रहा है। आजकल जो है वो डिजिटल बीपी की जो है नापने की मशीनें आती हैं, उससे आप बीपी नाप सकते हैं। गोली दोस्तों आप बराबर लेना है, गोली नियमित लेनी चाहिए। जैसे अगर आपने 2 बजे गोली ली है तो अगले दिन भी 2 बजे लेना चाहिए, जिससे आपके ब्लड में एक उसका साइकिल हो। तीसरा महत्वपूर्ण है दोस्तों डाइटरी मॉडिफिकेशन। दोस्तों आपने ब्लड प्रेशर की गोली तो अच्छी ली है लेकिन हमें चटपटा खाने का शौक है, सारे इंडियंस को, मुझे भी है। सो दोस्तों हम क्या है सब्जी में एक्स्ट्रा नमक डालते हैं, क्यों हमें टेस्ट नहीं आता, दोस्तों ये गलत है। अगर आपको बीपी रहता है तो ये आपके लिए जहर के समान है। 5 ग्राम से ज़्यादा नमक आपको नहीं लेना चाहिए। सो आप एक्सेसिव अगर जो आप नमक डाल रहे हैं तो दोस्तों जो आप गोली खा रहे हो वो गोली कामयाब नहीं हो रही है। आप ये लेके खुश मत हो कि मैं गोली खा रहा हूँ, तो वो भी एक कारण होता है। तो आप डाइटरी मॉडिफिकेशन आपका होना चाहिए एंड इसके अलावा दोस्तों आपका जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। वो क्या है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में दोस्तों, जो हम कस लेते हैं, हमारा शौक पूरा करते हैं, हम स्मोकिंग करते हैं। दोस्तों स्मोकिंग अगर आप लेते हैं तो आपके 12 टाइम चांस ज़्यादा है ब्लड प्रेशर होने की। सो आपको स्मोकिंग धीरे धीरे करके रिड्यूस करना है। साल्टी डाइट हमें कम लेना है दोस्तों। व्यायाम हमें करना है, जॉगिंग मॉर्निंग में करना है। रात को सोने से पहले जितनी भी हमारे घर पे जगह है उसमें कम से कम 10 मिनट 5 मिनट जितना भी है वो व्यायाम हमें करना है। एंड दोस्तों मेडिटेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आलोम विलोम आप कर सकते हो, सुबह 5 मिनट बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। जिम आप जाते हो नहीं जाते हो ये हर आदमी को सूट नहीं करता, लेकिन आप मेडिटेशन घर के किसी भी कोने में कर सकते हो, व्यायाम घर की छत पे या किसी भी कोने में आप कर सकते हो। सो दोस्तों ये वो चीज़ है। एंड एक मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों, अल्कोहल जो चोरी छुप के जो हम पार्टी करते हैं, वो पार्टी दोस्तों जो हम अल्कोहल लेते हैं उस अल्कोहल से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है और अनकंट्रोल्ड बीपी के कारण ब्लीडिंग होती है। सो दोस्तों देखा आपने कितनी महत्वपूर्ण है जो है वो नोज ब्लीडिंग से बचाव के उपाय। अगर ये उपाय आप करते हो तो जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा जो लिंक दिया हुआ है कि नोज ब्लीडिंग का क्या मैनेजमेंट है, वो आपको करना ही नहीं होगा। एंड आपको और जानकारी चाहिए कि नोज ब्लीडिंग के क्या कारण है, इससे भी पहले वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं डिटेल में। एंड एक हेल्दी एंड एक
अच्छी लाइफ दोस्तों आप जी सकते हैं, जिससे आपकी नोज ब्लीडिंग नहीं करे एंड आपका एक हेल्दी नोज हो जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। थैंक यू।